अगला क्वेश्चन है, टू फैट एस्ट्रोनॉट्स ईच ऑफ मास 120 केजी आर ट्रेवलिंग इन ए क्लोज स्पेसशिप। इसमें मेन बात यह है, इन द आउटर स्पेस फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसमें अपना सिस्टम माने, सिस्टम में एक स्पेसशिप है और दो एस्ट्रोनॉट्स हैं और यहां पे सराउंडिंग एयर जो भी होगी इसकी, वो ये सब है, और इसका पूरा मास तो दिया गया है, दैट इज 660 केजी। 660 केजी इसका मास है पूरा टोटल। अब इसमें इन दोनों का 120 120, ये 120 केजी, ये भी 120 केजी, 120 × 120 240 × 20 260, यानी 420 हो रहेगा। इसका मतलब ये एयर प्लस ये जो भी पार्ट बचा है इसका मास बचा होगा 420 केजी, तब जाके पूरा मास बना 660 केजी। अब इस पे ये कहीं कोई इसका संपर्क नहीं है, एक क्लोज स्पेसशिप में मूव कर रहे हैं, दिस इज अ क्लोज स्पेसशिप, यानी कि दिस इज अ क्लोज सिस्टम, इसका बाहर से कोई लिंक नहीं है। क्लोज सिस्टम का टोटल मास कॉन्स्टेंट रहता है। ये आगे जा रहा था विद स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको यही बताना है कि अगर ये इनिशियल सिचुएशन है, फाइनली अगर इन दोनों ने अंदर एक्सरसाइज कर करके, स्लिमिंग एक्सरसाइज करके अपना मास 90 केजी कर लिया, तो यार बड़े अच्छे अच्छे सवाल सोच के बनाए थे कभी अच्छी वर्मा सर ने। ये मतलब एक एक क्वेश्चन कितना विचार किया होगा कैसे बनाया। देखो आप इसमें, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो इसका मतलब इस पे एफ एक्सटर्नल जीरो है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, बाहर से कोई नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी, इसका मतलब पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर होगा। अब एक तो बच्चे के दिमाग में है भाई पी फाइनल बराबर होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मैंने बोल दी वी, इनिशियल है यू, अब फाइनल मास होकर दे कम, क्योंकि कहा है कि इन दोनों ने अपना मास रिड्यूस करके 90 केजी कर दिया, तो 30 और 30 60 केजी कम हो गया। अब अगर देखा जाए भाई कमाल की बात है, स्पेस में एक्सरसाइज ही करने गए थे क्या, इसका मास भी 90 केजी हो गया, इसका मास भी 90 केजी हो गया, टोटल मास कितना हो गया स्पेसशिप का। असल में आप सोचो 30 इसने कम कर लिया, 30 इसने 60 कम कर दो, टोटल 600, नहीं, अगर इनका कम हुआ है तो बचे हुए ये सराउंडिंग जो भी है, एयर एटमोस्फेयर कुछ भी है, पसीने निकले होंगे, एक्सरसाइज की होगी, बदले में मास वही रहा होगा। तो अगर इन दोनों का 60 कम हुआ है तो उसका बचा हुआ पूरा सिस्टम स्पेसशिप प्लस ये का बढ़ गया होगा, एंड ये हो गया होगा 480। 480 एंड 90 एंड 90 480 एंड 180, सो इट इज अगेन बिकमिंग एम टोटल 660। ये अभी भी 660 केजी है, और अब आपको ये भी बताना है, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो 660 × 15 किलोमीटर पर सेकेंड बराबर 660 × V final। गड़बड़ कहां होती, अगर आपने केवल इनका ही मास लिया होता और अपने सराउंडिंग का मास नहीं लिया होता तो आप गलत आंसर दे जाते मोमेंटम कंजर्वेशन से, परंतु ये पूरा एक क्लोज सिस्टम है तो इस पर इस तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। मेन बात ये थी कि इसका मास कम हुआ तो यही रह गया वो मास, तो वी फाइनली अगेन निकल के आ रहा है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ये था आपका सवाल।